जाओ, निकल जाओ यहां से। जो तमाशे करने बाहर जाके करो, जाओ। जितना जलील करना है शरीफ शख्स को करो। मम्मी प्लीज, मत नाम लेना मैं नहीं हूं मैं तुम्हारी अम्मी। कोई औलाद नहीं थी मेरी, दो धोखे पैदा किए थे खाली। जाओ जाओ, निकल जाओ। मैं हम जानती है मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज। हाँ छोड़ दो चुकी हो, और क्या छोड़ने। हाँ? छोड़ने की आदत था तुम्हारे खून में, तुम भी छोड़ दो, जाओ निकल जाओ। आंटी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से गया था, इसने मुझे नहीं निकाला था। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो। आंटी कैसी बातें कर रही हैं, प्लीज प्लीज इस तरह मत करें, आप मेरी माँ की तरह हैं। मेरी मेरी औलाद ने मुझे रुसवा कर दिया, ना दुनिया का छोड़ा और ना आखिरत का। आंटी प्लीज संभालें खुद को, इस तरह मत करें, नहीं तो तुम देखो ना। ले जाओ इसे यहाँ से, तुम्हारी बीवी इसे कहो रुखसत हो जाए यहाँ से अभी, इसी वक्त रुखसत हो जाए। अच्छा आंटी आप प्लीज गुस्सा मत करें, मैं ले जा रहा हूँ उसको, मैं भी ले जा रहा हूँ, आप प्लीज चलो चलो प्लीज चलो ना। रिश्ता क्यों नहीं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भीख। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है, मुबारक हो। से ना निकलते तो आंटी पता नहीं क्या कर लेती हैं। क्या जरूरी था निकलना इस वक्त? अब रो क्यों रहे हो यार, चुप कर जाओ। निदा, मम्मी को नहीं छोड़ सकती। तो कौन कह रहा है छोड़ने को, उस वक्त हालत देखी थी उनकी, अभी थोड़ी देर में घर चले जाएंगे आप। और इस थोड़ी देर में उन्हें कुछ हो गया तो? अल्लाह जरूरी है हर वक्त बुरा सोचना, कभी अच्छा भी सोच लिया करो यार। नहीं, मम्मी को जानती हूँ, वो मुझे इस तरह घर वापस नहीं आने देंगी। मैं क्या करूँ बेटा, बताओ मुझे। बस आप मुझे तलाक दे दे। What? दिमाग सही है तुम्हारा? पता नहीं, और इसके अलावा मुझे कोई। शट अप, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? क्यों ना सोचूं मैं? हाँ? सब कुछ तो बर्बाद हो गया है हमारा, सब बर्बाद हो गया है। हम दर्दी के नाम पे खेला गया है हम दोनों के साथ। जब सब खत्म हो गया है तो फिर ये रिश्ता क्यों नहीं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भीख। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है, मुबारक हो। माला आ,
एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी, कस कस रूह ते झमका मारे, इश्क ना झपके आँख निमाणी, खतरे में तूफान, इश्क अल्फ की जान निमाए, इश्क अल्फ की जान। क्या तलाश कर रहे हैं आप? मेरी तलाश तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मैं तुमसे मिला। तलाश खत्म हो गई लेकिन सफर शुरू हो गया। सफर तो करना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते जिनकी मंजिल ना हो। पायल, मोहब्बत नतीजा और अंजाम देखकर नहीं की जाती। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं, ये बहुत है मेरे लिए। हाँ मेरे साथ, मगर अपनों से दूर, मेरी वजह से। तुम भी तो अपनी अम्मी से दूर हो मेरी वजह से। खैर, मुझे कहना था कि हम ये होटल छोड़ रहे हैं कल। क्यों, घर मिल गया? नहीं, घर नहीं मिला। जो मुझे अच्छे लग रहे हैं they're quite expensive, the rest of them are not worth living। हाँ तो जब तक हमें कोई घर नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। Come on Ali, I know your condition, you're not that filthy rich। लेकिन इतना जरूर है कि हम कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं। Don't be silly Ali, कितने दिन और रह लेंगे यहाँ? एक दिन और, जाना तो है होटल से। पायल, तुम चुपचाप घर वापस आ जाओ, हाँ, वरना मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा रही हूँ कि अली ने तुम्हें किडनैप किया है। जरूर मामा, गो हेड, करें जो आपका दिल कर रहा है। यू नो व्हाट, यू विल ओनली मेक थिंग्स इजी फॉर मी। और पुलिस मुझसे तो पूछेगी, मैं सच बता दूंगी। क्या तुम मेरे साथ ये करोगी, अपनी मामा के साथ? आई नेवर वॉन्टेड टू डू दिस मामा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। क्या मिला आपको अली को प्रीमैच्योर एग्जिट करवा के हॉस्पिटल से? देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ, ओके? ये अली जो है ना गायब हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि किधर गया ये। चुपचाप घर वापस आ जाओ, डोंट मेक सच अ तमाशा। मैं घर नहीं आ रही। वैसे तो आप बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हैं अली पर, लेट मी सी व्हाट यू हैव नेक्स्ट। पायल, एक बात बताऊं मामा, अली से पहले शायद मुझे मोहब्बत नहीं थी, ये मोहब्बत आपने करवाई है मुझे। The more your revenge is increasing, the more is my love। और नफरत करें ताकि मेरी मोहब्बत और बढ़े। Please do that। इश्क समंदर तन तालू सब डूबे, दिल दा कै
मामा थी। मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका, वापस नहीं आ सकता। तुम अपना नुकसान क्यों कर रही हो? तुम लड़की हो और तुम्हारा इस तरह घर से दूर रहना। या तो इंसान इन मॉरल वैल्यूज को देख ले या तो फिर मोहब्बत कर ले। क्यों? अरे मामा, ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हें उनसे छीनने नहीं आया? देखो अली, जनरली माँ बाप औलाद को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, और अगर कभी कहीं उन्होंने टफ टाइम देखा हो तो फिर एक नया इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। औलाद की मर्जी और ख्वाहिश गुनाह बन जाते हैं उनके लिए। I'm sorry, मेरा इशारा किसी पर्टिकुलर केस की तरफ नहीं था, मैं बस जनरली बात कर रही हूँ ऐसे ही। सुखे पाए, कभी कभी कुछ बातें इंसान को अपना दुख और नुकसान बहुत बड़ा करके दिखाती हैं। I hope हिता की शादी के बाद things must get better. सर इरफान से बात हुई है मेरी, हिता इरफान से शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्या शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, शादी हो चुकी है लेकिन निदा मुसलसल इनकार कर रही है। शायद वो अम्मी को छोड़ना नहीं चाहती। नहीं, इरफान ने अभी तक रुख्सती नहीं की। समझ नहीं आ रहा कि निदा ऐसा क्यों कर रही है। मैं बात करती हूँ उससे, मगर somehow she thinks I'm responsible for your situation, which is not wrong. आयल, ऐसी बातें मत सोचो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम राहुल नहीं हो, अंडरस्टैंड? अली, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। मामा ने राहुल से कहा है, शी वॉन्ट्स यू आउट एट एनी कॉस्ट, डेड और अलाइव। क्या? हाँ, अगर तुम मोहब्बत में यहाँ तक पहुँच सकते हो तो नफरत की भी कोई लिमिट्स नहीं होती। खैर, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें परसों रिहैब के लिए भी जाना है। I'll take care of everything. जो होगा देखा जाएगा। कहाँ जा रहे हो? कमरे में। राहुल, 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 कमिंग। आप? हाँ, मुझे देख के शॉक तो हुए होगे तुम, है ना? Kind of yes, yeah. Please come in. अगर कुछ ऐसा वैसा हो ना, इस नंबर पे डायल कर देना, और ये नाम है इस जगह का, ओके? आयल, प्लीज आराम से। डोंट वरी। तो तुम बाज नहीं आ रहे राहुल? कम ऑन पायल, आई एम नॉट अ स्पाई।
हनी आप मुझे बुला लेते, खुद क्यों आ गए? वो मैं जब घर से निकली थी तो तुम्हारे घर के लिए नहीं निकली थी, पता नहीं सबकॉन्शियसली यहाँ कैसे पहुंच गई मैं। कोई बहुत सीरियस बात होगी, आई कैन चांस इट। नहीं ऐसे ही, तुम पायल से लव करते हो ना, यू वॉन्ट टू मैरी हर, है ना? यू वॉन्ट टू मैरी हर ना? यस आई एम रेडी। गुड, तो एक काम करो, फटाफट अपने मामा पापा से मेरी बात करा दो। वेट 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 वेट, आपकी पेरेंट्स से तो मैं बाद में बात करवाऊंगा, मगर मेरा पायल से बात करना पड़ सकता है जिससे शादी करवानी है। पायल, पायल से क्यों बात करना जरूरी है? मैं उसकी मामा हूँ, मैं ओके कर रही हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? Are you serious, honey? हाँ, serious क्या मतलब है? इतनी रात गए, इतना दूर तुम्हारे घर आई हूँ, serious नहीं होंगी मैं क्या? Wait, wait, इसीलिए बोल रहा हूँ मेरी उससे बात करवाओ, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो मुझसे बहुत नफरत करती हो। ओ राहुल, सच इतनी पुरानी बातें, she is fine। असल बात क्या है आंटी? I have finally agreed to you marrying my daughter. Are you not happy? What's the deal? Deal? Deal, auntie. Let's go. Let's be straight. क्योंकि इतनी कीमती चीज आप मुझे इतनी आसानी से ऑफर नहीं कर सकते। आप जानते हो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। What do you want from me? मसला क्या है? पायल घर छोड़ के भाग गई। What? कहाँ? With Ali. You mean hospital? No, he was discharged from hospital now. Can't believe that. क्या होगा? Such a foolish girl. देखो कुछ भी करो, please bring her back. I don't know what else to do. You must help me. आंटी, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि वो मुझसे नफरत करती है। ऊपर से वो विटनेस भी है। What do you want? मैं जेल चला जाऊं? No, no. अगर उसे रिपोर्ट करना होता तो कब की रिपोर्ट कर चुकी होती। She won't do that. She can do anything. She is extremist. तुमने अली को क्यों मरवाया? हाँ? क्यों? Because you love her, ना? This is what you said to me, right? Yes. मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ आज भी। So then, जाओ छीन के ले आओ उसको वापस ना। Bring her back. तुम्हें इन लोगों का पता है। He will play with her. उसका दिल तोड़ेगा। Please, you must protect my daughter. Just bring her back. I promise तुम उसे वापस लाओगे ना, खड़े खड़े मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। Okay, okay, calm down. करता हूँ कुछ, ढूंढता हूँ उसको, मिल जाएगी। राहुल वो जादूगर है, जादूगर, okay? You have to bring her back somehow. अरे बाबा बोला ना, ढूंढता हूँ, ढूंढ लूंगा, डोंट वरी, रिलैक्स। थैंक यू राव। सिली गर्ल, फूलिश। जी सर असलम, जी जी ठीक है, जी डिस्चार्ज कर दिया जी, वैसे गोली दी रात को खाने को। जी ठीक है, ना हाफिज। क्या तरीका है का? कब तक नाराज रहोगी यार? मैंने 100 दफा माफी मांगी, हालांकि गलती नहीं है मेरी। तो सर असलम से पूछे ना और कितनी दफा माफी मांगनी है, आखिर आप लोगों के बिग ब्रदर है वो, साजिश के मास्टरमाइंड। क्या मतलब साजिश? कौन सी साजिश? वही जिसे आप लोग शादी कहते हैं। This is enough, निदा। क्या करेंगे, थप्पड़ मारेंगे मुझे? मार दे मुझे क्या, जाके फिर बिस्तर पे बैठ जाऊंगी। इतनी जल्दी तो किसी को नहीं दिया होगा, है ना?
मुझे घर आने नहीं देंगी, और आपके घर में जाना नहीं चाहिए। ऐसा करें मुझे ईदी होम से छोड़ें। मेरा भाई तो मुझसे छीन गया, आप लोगों ने मुझसे मेरी माँ भी छीन। क्या चाहते हैं आपके असलम सर, हाँ कि मेरी माँ खामोशी से अकेले मर जाए और हमें पता भी ना चले। मैं भी उसे जोड़ी हॉस्पिटल में नर्स हूँ। इरफान साहब ने आपकी अम्मी के लिए एक दो दिन के लिए मुझे रखा था, तो मैंने छुट्टी ली। ठीक है। अम्मा जी को मैंने लॉन्च में बिठा दिया, इस टाइम की दवा मैंने दे दी है, अब शाम में देनी है। ठीक है, ठीक। ओके, खुदा हाफिज। अरे आंटी, खुशी के मौके पे भी उदासी। एक तो आप अपनी बेटी को यकीन दिला दें कि दुनिया की कोई ताकत इसे आपसे छीन नहीं सकती। अरे बेटा, छीन तो चुके हो इससे तुम मुझसे। अरे नहीं आंटी, छीना कहाँ, मैं तो खुद आपका हो गया हूँ। खुशी के रिश्तों का ये कमाल होता है कि मनफी नहीं करते बल्कि जमा करते हैं। यही साजिश थी। अच्छा मैं जरा काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, एक और साजिश करनी, शाम तक आ जाऊँगा। वापस ठीक तो है ना, ताज तो नहीं हुई मेरे बगैर? ट्रस्ट मी, इतना अच्छा घर किस्मत से भी नहीं मिलता। और प्लीज तुम अब किसी को इस नए घर का एड्रेस मत देना। आई एम श्योर मॉम ने तुम्हारे पीछे लोग लगा दिए होंगे। राहुल को फोन आया। उठाओ फोन। कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। जरूरत है पायल। खौफ किसी मसले का हल नहीं होता, खौफ तो फरार का रास्ता होता है, और हमें किसी से डर कर चोर दरवाजे से नहीं भागना। पायल, मोहब्बत का यकीन इंसान को बहादुर बना देता है। अगर मोहब्बत के बाद भी इंसान बेखौफ और बहादुर ना हो तो इसका मतलब है कि उसकी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है। बहादुरी और बेवकूफी को बहुत थिन लाइन डिवाइड करती है अली, और मेरे नजदीक इस कॉल को उठाना भी बेवकूफी है। अली प्लीज। राहुल, तुम इस वक्त स्पीकर फोन पे हो, तुम्हें जो भी कहना है कह दो, पायल सुन रही है। अली, मैं जाती हूँ, अगर कुछ ऐसा वैसा हो ना इस नंबर पे डायल कर देना, और ये नाम है इस जगह का। ओके पायल, प्लीज आराम से। डोंट वरी। तो तुम बाज नहीं आ रहे राहुल? कम ऑन पायल, आई एम नॉट अ स्पाई।
तो किस राइट से पीछा कर रही हो मेरा? मॉरिशस की रोड पे मुझे निकालती हो ढूंढ के और कहती हो यू नॉट स्पाइंग? वाओ, मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, तुमने बताया तुम कहाँ हो? योर फेसबुक लोकेशन सर्विस? या ओह गॉड, व्हाई डिडंट आई ब्लॉक यू? तुम अगर ब्लॉक कर भी देती तब भी फर्क नहीं पड़ने का था। इसकी रीजन सिर्फ ये है कि ये मामा गेव मी इंसेंटिव, फिर भी तुम्हें ढूंढ लेता। इंसेंटिव? या शी टोल्ड मी अगर मैं तुमको ढूंढ के इधर ले आऊं तो यू एंड मी कैन गेट मैरिड। वाओ, मामा ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। गुड, तुमने उनको बताया नहीं दैट आई हेट यू, विल कीप हेटिंग यू फॉरएवर। फाइल, यू नो व्हाटएवर यू डूइंग इज रॉन्ग, गलत कर रही हो तुम। मिस्टर राहुल शर्मा, कौन हो तुम? मैं सही कर रही हूं, गलत कर रही हूं, हु द हेल आर यू? आई विल नॉट से आई एम लकी, बट आई विल से यू आर वेरी अनलकी। इस स्टूपिड ट्रैवल एजेंट की वजह से यू लूजिंग योर मॉम। शट अप, नॉट अ वर्ड बियॉन्ड दिस, ओके? एंड लिसन टू मी, तुम मेरा इतना एहसान मानो कि तुम आजाद घूम रहे हो मेरी वजह से, अदरवाइज यू शुड हैव बीन जेल। पायल, नो, जस्ट लिसन टू मी, वी आर स्ट्रेंजर्स, नो मोर फ्रेंड्स, ओके? और जाते जाते मैं तुम पे एक और एहसान करूंगी। मामा ने तुम्हें कहा है ना कि मुझे घर लेके आए, जाऊंगी तुम्हारे साथ, वेट फॉर माई कॉल। और हाँ, डोंट फॉलो मी, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? हली, हाँ, तैयार हो? किस चीज के लिए? इस सवाल का जवाब अभी मिल जाता है। मिस पायल राजा, मिस्टर अमित खन्ना, वेलकम टू माय ऑफिस। We are registering your wedding ceremony today in Mauritius. I have filled the application form. Just sign it. Ali, अभी बहस का वक्त नहीं है, साइन कर दो, अदरवाइज हमारी शादी रजिस्टर नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज योर सर्टिफिकेट, यू आर नाउ हस्बैंड एंड वाइफ, एंजॉय द न्यू लाइफ। मर्सी। ये किस लिए? अब यकीन आया कि तुम ख्वाब नहीं देख रहे, असल में हमारी शादी हुई है। अली, मोहब्बत हो तो पानी की तरह अपना रास्ता खुद बना लेती है। एक बात बताओ, मुझे भी तुम शुरू से बहुत अच्छे लगे थे, स्पेशली जब तुम मुझे पाकिस्तान में ढूंढ रहे थे ना तब। हाँ, क्योंकि उस वक्त तक मजहब वाला इशू सामने आ चुका था, उसी का बदला लिया। अली, मैं एक हिंदू लड़की हूँ और मेरे पेपर्स में भी मेरा रिलीजन यही है। मैं अगर ऑफिसर को तुम्हारा सही मजहब बता देती तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता। असल रिलीजन तो मोहब्बत है ना, बाकी सब का मुझे नहीं पता। वैसे भी हम दोनों का मकसद एक दूसरे को पाना था, ना कि एक दूसरे को हिंदू या मुसलमान करना। एंड वी हैव अचीव्ड आवर गोल, फॉरगेट अबाउट पेपर्स, लेट्स गो। चल के मॉम को बताते हैं ताकि उनकी तलाश और नफरत खत्म हो जाए। खौफ शायद खत्म हो जाए लेकिन नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। हो जाएगी, क्योंकि उनको नफरत से ज्यादा खौफ है। जब वो मैरिज सर्टिफिकेट देखेंगी तो उनके खौफ दूर हो जाएंगे कि उनकी बेटी कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि लेट्स सी व्हाट हैपन। वैसे भी तुम्हारी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कौन सी?
राहुल को थैंक्स बोलने वाली। क्यों करेंगे सब? तुम छोड़ो ये बातें, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। लेट्स गो। पायल, यू मस्ट बी जोकिंग, मजाक कर रही हो ना तुम? आई डोंट हैव टू प्रूव यू। राहुल, बावजूद इसके कि तुमने मुझे माजूर किया, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे माजूर ना करते तो मुझे कभी इतना बड़ा सहारा न मिलता। राहुल, मुबारक नहीं दोगे? मुबारक? हाँ, हमने शादी कर ली है। What? What, what? I said हमने शादी कर ली। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे साथ मॉम के घर जाऊंगी, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई। पायल, you must be joking, मजाक कर रही हो ना तुम? I don't have to prove you. Rahul, बावजूद इसके कि तुमने मुझे माजूर किया, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे माजूर ना करते तो मुझे कभी इतना बड़ा सहारा ना मिलता। Thank you. तुमने मॉम से वादा किया था ना कि तुम उनको बेटी वापस ला के दोगे, तुमने तो वादा शायद पूरा कर दिया, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर सकेंगी क्योंकि आई एम अलीज वाइफ नाउ। आ रहे हो साथ? गुड लक पायल। और हाँ, मॉम को कॉल करके मत बता देना, सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा।